लास्ट टाइम हमने क्या करा था? बोल रहा हूँ मैं, क्या करा था? पासवर्ड वैलिडेशन करा था, राइट? तो बना हुआ ही है। मैं ड्यू एक बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ लेबल और लेबल में लिख देता हूँ इंटर नेम। फिर नीचे आऊंगा, इनपुट लिख के वही टेक्स्ट लिख के टैब मार दूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे नेम दे दूंगा, आईडी में दे दूंगा नेम, नेम हो गया। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दूंगा और इस पैराग्राफ टैग में दे दूंगा इंटर योर नेम। और इसी को मैं थोड़े कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ऐसा होगा फिर ये। अब इसको ब्राउजर पे मैं रन करूंगा कॉपी पेस्ट करके। कॉपी फाइल पाथ किया, ब्राउजर पे आया, ओपेरा मिनी पेस्ट करके रन कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इंटर योर नेम बदलता हूँ मैं मैसेज, इंटर योर नेम है। कंट्रोल दबाएंगे तो मल्टी कर्सर हो जाता है ये, और एक बार में बदल सकते हैं हम कुछ भी। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से, डिलीट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा इंटर नेम इंटर MOBILE। क्या लिख दिया मैं? MOBILE मोबाइल। फिर आऊंगा यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे करके लिख दूंगा ईमेल। फिर इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पासवर्ड, यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, यहाँ पे भी लिख दूंगा पासवर्ड। फिर एक बार कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको लिख दूंगा कंफर्म पासवर्ड। हो गया, इतना काफी है। सबमिट, एक सबमिट बटन बना लूंगा मैं। ये देखिए, वैल्यू में लिख दूंगा सबमिट। तो हमारा बन के रेडी है जो है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में कोई बहुत अच्छा नहीं बनाया हूँ, लेकिन चलिए काम चलाऊ है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर एक फॉर्म टैग ओपन करूँगा। ओपन क्लोज किया फॉर्म टैग और इसको लास्ट में आऊँगा और सबमिट बटन के बाद यहाँ पे बंद कर दूँगा फॉर्म टैग ऐसे। तो यहाँ पे इंटर नेम लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है इंटर नेम, यहाँ पे इंटर मोबाइल लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है इंटर योर मोबाइल, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही बंदा सबमिट करेगा तो मैं सबमिट नहीं होने दूंगा। पहले मैं क्या चेक करूँगा, चेक करूँगा नेम खाली तो नहीं है। नेम अगर खाली होगा तो ये दिखाई देने लगेगा रेड कलर में, और नहीं तो फिर मोबाइल पे आएगा। अगर मोबाइल खाली रहेगा तो दिखाई देने लगेगा ये रेड कलर में। ये पहले दिखाई नहीं देगा, ये पहले से हाइड रहेगा। अब हम हाइड कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि इसमें हम कोई टेक्स्ट ही ना लिखें, राइट? इसमें कोई टेक्स्ट ही ना रहे। दूसरा तरीका ये है कि हम CSS से हाइड कर दें, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर दिया करेंगे या फिर हटा दिया करेंगे, मतलब टेक्स्ट को डिलीट करेंगे या राइट करेंगे, ठीक है? मैं आ जाता हूँ यहाँ, कुछ स्टाइल लगा दूंगा,
स्टाइल, और यहाँ पे क्या क्लास ले लूँ मैं, ERR डॉट लिखता हूँ और RR लिख दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ COLO कलर। अब कलर के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, खुलना तो चाहिए था कलर पैलेट लेकिन नहीं खुला। होगा कुछ रीजन, देख लेंगे। रेड दे दिया मैं कलर, ये रेड कलर में दिखाई देने लगे। और पैराग्राफ में आऊंगा और यहाँ पे क्लास लिख करके लिख दूंगा ERR एरर, तो देखते हैं एरर हमें शो करता है कि नहीं। ये तो शो ही नहीं किया, मजा नहीं आया। शायद डबल कोट नहीं देना होता है, नहीं देना होता है, मैं भूल रहा था। चलिए तो सभी में क्लास वैल्यू लगा दूंगा मैं, वही बहुत अच्छा होता कि मैं एक बार सभी में राइट कर देता। तो मैं सभी में एक बार राइट करूंगा, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको। क्लास ई आर आर सेव किया और फिर सब आ गए है रेड कलर में। मैं क्या करूंगा, ये एरर क्लास मैंने इसलिए लिखा है ताकि रेड कलर में सब दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में एक एक आईडी लग लिखूंगा। आईडी के लिए किस लिए लिखूंगा, ताकि इस पैराग्राफ को मैं एक्सेस कर सकूं। बेशक थोड़ा लेट लगेगा, समय लगेगा, लेकिन लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे एरर नेम लिखता हूँ या फिर नेम एरर नाम से लिख देता हूँ आईडी। कॉपी किया, यहाँ पे आया और नेम की जगह पे लिखा MOBI ली मोबाइल। फिर आऊँगा यहाँ पे सभी में लिख दूंगा ऐसे ही ईमेल एरर। फिर मैं आऊँगा नीचे, फिर यहाँ पे आईडी दे दूंगा पासवर्ड एरर। फिर आऊंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंफर्म पासवर्ड ये होगा, कंफर्म पासवर्ड। तो आईडी में मैं दे दूंगा कंफर्म हाइफन पासवर्ड, इस तरह से हो गया सभी में। एंटर योर पासवर्ड के जगह पे कंफर्म पासवर्ड लिख दूंगा मैं। तो एरर सभी में दिखाई देने लगा है। चलिए अब क्या करना है मुझे, मैं स्क्रिप्ट टैग, अब जो है जावा स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ। स्क्रिप्ट लिखा, टैग मारा, लिखा गया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अब मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करूँगा। तो मैं पहले नेम को वैलिडेट करता हूँ। एक एक एलिमेंट को वैलिडेट कैसे करना है, ऑन इनपुट इवेंट लगा करके। मैंने पासवर्ड वैलिडेशन में बताया हुआ था, तो मैंने सिर्फ पासवर्ड वैलिडेशन में बताया था। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं नेम वैलिडेशन में भी, ईमेल वैलिडेशन में भी, मोबाइल नंबर के वैलिडेशन में भी। मैं यहाँ पे एक मेथड से सभी को वैलिडेट कर रहा हूँ, ऑन सबमिट पे। जैसे ही सबमिट होगा फॉर्म, वैसे ही जो है वैलिडेट होगा। कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे मेथड एक बनाता हूँ। फॉर्म को एक्सेस करने के लिए मैं एक आईडी दे दूंगा यहाँ पे, और आईडी में लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा आईडी को माई फॉर्म, दे दिया आईडी। लेट माई फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट,
गेट लिखा तो आ गया, एलिमेंट्स टैब दबाऊंगा तो ये अपने आप लिखा जाएगा, यहाँ पे आई लिखूंगा तो आईडी लिखा जाएगा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैं। फॉर्म मेरा सेलेक्ट हो चुका है इतने से, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट ऑन सबमिट, ऑन सबमिट इवेंट, ठीक है, फंक्शन लिख के टैब मारा, टैब मार के ऐसे डिलीट कर दिया मैं। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, अलर्ट, अलर्ट में लिख दूंगा HELLO, हेलो। तो फॉर्म को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, फॉर्म का इवेंट होता है ऑन सबमिट, ये कब चलता है इवेंट, जब हम सबमिट बटन दबाते हैं तब। मैं ट्राई करता हूँ चला के, सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए हेलो आ गया, फॉर्म रिलोड हो गया, पेज सबमिट हो गया, राइट। तो इसी तरह से मैं ऑन सबमिट इवेंट जो है कर दिया। आप चाहें इसको तो दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, इन सबको मैं सेलेक्ट किया और कंट्रोल स्लैश किया, डिलीट कर दिया मैं सारा, और जाऊंगा मैं ऊपर फॉर्म पे, आया फॉर्म पे, ऑन सबमिट लिखूंगा यहाँ पे, ऑन सबमिट लिखा, आप यही यूज करेंगे ऑन सबमिट ही, और फॉर्म टैग में ही लिखेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मैंने यहाँ पे लिखा और लिख दूंगा फॉर्म वैलिडेशन, कॉल कर देंगे मेथड ऐसे, और फिर मैं आ जाऊंगा सबसे नीचे, यहाँ पे मैं आऊंगा और लिखूंगा फंक्शन FUN, लिखूंगा टैब मारूंगा, मेरा कर्सर आ गया फंक्शन नेम पे, पेस्ट कर दिया, फिर टैब दबाया, आर्ग्यूमेंट डिलीट किया, फिर टैब दबाया, बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सभी एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट। कैसे सेलेक्ट करूँगा, आईडी के आधार पे, तो सेलेक्ट करता हूँ लेट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे आईडी में दे दूंगा, आईडी में मैं लिख दूंगा नेम, नेम यहाँ पे मैंने आईडी में नेम दिया था, नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, राइट। और यहाँ पे कंट्रोल दबा के यहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा, नेम की जगह पे लिख दूंगा MOBILE, और यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, फिर यहाँ पे भी आऊंगा मैं नेम की जगह पे, यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड, इस्केप दबाऊंगा तो ये जो सिलेक्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड, आईडी इसका सी दे देता हूँ, ये हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड ऐसे। तो मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ वैलिडेशन, बहुत ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह मैं नहीं यूज करूँगा यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे काम। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा नेम, तो इससे क्या होगा आप जानते हैं, जैसे ही नेम पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा नेम एलिमेंट जो है वो पूरा एक्सेस हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई जो है गूगल क्रोम में काम करता है, ये एक ओपेरा मिनी है। तो सबमिट बटन पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, फॉर्म हमारा रिलोड हो गया, तो फॉर्म जो है आखिरी में मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर ऊपर मैं आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख दूंगा रिटर्न
तो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉर्म रिलोड नहीं होगा। आया यहाँ पे, सबमिट बटन पे क्लिक किया, पूरा एलिमेंट आ गया, राइट। तो इसी तरह से हम करेंगे काम जो है। मैं इसको क्या करूँगा, बाहर पेस्ट करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ इधर, नेम है, एंटर मारूंगा, तो ये देखिए, नहीं नेम डॉट, चलिए बाद में देखेंगे इसको। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा इधर, ये तो सारा एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है, किस लिए, ताकि इन नेम वगैरह का मैं इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। हमें एरर को भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो एरर मैसेजेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो एरर मैसेज को सेलेक्ट करेंगे हम कैसे, वही लेट लिखेंगे, ERR underscore नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ID, और यहाँ पे लिख देंगे एरर नेम। एरर नेम कहाँ से आ जाएगा, इधर से, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आके। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 3 4 बार, नेम के जगह पे मोबाइल कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा ईमेल, ईमेल कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा ऐसे, नहीं, यहाँ तो मोबाइल होगा ना, इस तरह से। उसके बाद पासवर्ड है, तो एरर में पासवर्ड लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड लिखा। मैंने ऐसे कैसे नाम दे दिया, यहाँ पे भी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, और यहाँ पे ERR दे दूँगा ऐसे, ये नाम मुझे सही लग रहा है, और यहाँ पे इस कंफर्म पासवर्ड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और ऐसे अंडरस्कोर मेनू में दे दूँगा। हमने सारा एक्सेस कर लिया, अब हमें क्या करना है, इफ एल्स लिखना है खाली, और कुछ नहीं, सिर्फ इफ एल्स से ही हम करेंगे जो है टोटल वैलिडेशन। तो मैं इफ कंडीशन लगाया, सबसे पहले नेम को चेक करता हूँ, तो नेम पे आया डॉट नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो क्या करो, सबसे पहले इन सब के अंदर जो लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ के अंदर जो वार्निंग, इसको मैं गायब कर दूंगा, एक खाली रहेगा पहले, ये पहले जो है खाली रहेगा ऐसे। आता हूँ मैं इधर, वैल्यू अगर खाली है तो क्या करो जी, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो क्या करो, नेम डॉट FOCU फोकस। चलिए अगर मेरा गलत नहीं है ये स्पेलिंग तो काम करना चाहिए, और ये जो नेम वाला एरर है इसमें आओ और क्या करो, डॉट इनर HTML कर दो, इनर HTML इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पे इंटर नेम सेमीकॉलन। तो फोकस से क्या होगा कि नेम पे अपने आप फोकस चला जाएगा, फोकस चला जाएगा इस नेम पे, और इनर HTML से क्या होता है, ये पैराग्राफ टैग पे, टैग को हमने पहले सेलेक्ट करा है,
और फिर इसके अंदर हमने पास करा है इनर एचटीएमएल, मतलब इसके अंदर हमें कुछ लिखना है या फिर इसके अंदर का हमें कोई भी डेटा पढ़ना है, कोई भी कंटेंट। जैसे यहाँ पे नेम लिखा है तो इसके अंदर नेम लिखना है जावा स्क्रिप्ट से, तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके डॉट इनर एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको हटाया और इनर एचटीएमएल से हमने लिख दिया उसके अंदर, और रिटर्न क्या कर देंगे नीचे, रिटर्न फॉल्स, इसको हटा दूंगा। देखते हैं क्या होता है। सबमिट मारा, ये तो सबमिट हो गया। मजा नहीं आया ना, सच में मजा नहीं आया, सबमिट हो जा रहा है। कुछ यहाँ पे एरर शो कर रहा है जो कि हमने स्पेलिंग गलत किया रहा होगा। नेम डॉट फोकस मैंने किया, फिर डॉट इनर एचटीएमएल मैंने लिखा, लेकिन एरर मेरा क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करूंगा। मुझे फोकस का स्पेलिंग शायद मालूम नहीं है, ऑलरेडी बना है नेम, नेम वन लिखूंगा यहाँ पे, एंटर, नेम वन डॉट एफओ। ये फोकस ही है, फोकस। यहाँ पे जो नेम मैं लिखा हूँ इसको हटा दूंगा, और यहाँ पे जो ये है ऐसे होगा फोकस का स्पेलिंग, मैंने गलत लिख रखा था स्पेलिंग, राइट। तो आप भी स्पेलिंग वगैरह अपना चेक कर लिया करो भाई, हमको तो स्पेलिंग आते नहीं है। ये देखिए आ गया इंटर नेम, और फोकस अपने आप यहाँ पे हो गया, क्लिक करा फोकस हो गया। अब मैं कुछ टाइप करूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर से आऊँगा नीचे, एक काम और करता हूँ, नेम पे ही आता हूँ, नेम डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू क्या करूँगा, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं सही लिखा हूँ क्या सीएसएस, बताएगा कोई? ये देखिए तो ये जो है रेड कलर में बॉर्डर इसका बन के रेडी हो गया, राइट, क्लिक करा, ये देखिए रेड हो गया बॉर्डर। तो उस बॉर्डर को मैं रेड करना चाह रहा था और कुछ नहीं। मैंने प्लेस होल्डर नहीं दिया है कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे ना प्लेस होल्डर दे सकते हैं, इंटर नेम इस तरह से क्लिक करा, ये देखिए रेड कलर में हो गया है, फोकस करते हैं तो ये बॉर्डर आ जाता है। ये करके फिर सबमिट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए जी, तो हमारा ये वाला हो गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब फिर से जो है मैं क्या करूँगा, एल्स इफ लगाऊंगा, एल्स इफ लगाऊंगा, उसके बाद क्या करूँगा, मैं मोबाइल को चेक करूँगा, मोबाइल डॉट वैल्यू डबल इक्वल टू एम्प्टी है, तो क्या करो, मोबाइल पे कर दो डॉट फोकस, मोबाइल पे कर दो फोकस, और जो एरर मोबाइल है इसमें मैसेज दे देना है हमें, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू इंटर मोबाइल NUMBER इंटर मोबाइल नंबर, राइट। हम बॉर्डर भी देंगे इसमें, तो दे देंगे बॉर्डर ऐसे, नेम में दे दूंगा ऐसे मैंने बॉर्डर। तो
मोबाइल का काम करेगा। सबमिट किया, ये देखिए नेम टाइप करा, फिर नीचे आया, फिर सबमिट करा, मोबाइल में एरर आने लगा, फिर इसमें टाइप करूँगा, फिर सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा मेरा। लेकिन फॉर्म अभी सबमिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नीचे भी ना रिटर्न फॉल्स लिख रखा था, इसीलिए सबमिट नहीं हुआ। इसी तरह से जो है मैं रिटर्न फॉल्स नीचे भी लिखना पड़ेगा आपको, रिटर्न फॉल्स। कॉपी करता हूँ मैं इसको, नीचे आके पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। फिर क्या करूंगा, मोबाइल की जगह पे ले लूंगा ईमेल, इस तरह से ईमेल सब जगह ईमेल कर दूंगा। एरर ईमेल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे एरर ईमेल लिख दूंगा, और मोबाइल नंबर की जगह पे ईमेल, राइट। ईमेल के बाद क्या है, पासवर्ड। ऐसे तो मैं इस पासवर्ड को करूंगा कॉपी, ऐसे इस तरह से, और ये वाला एरर पासवर्ड को यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे मैं दिखा दूंगा, ये पासवर्ड काम करेगा। यहां तक टेस्ट करते हैं हम, हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है या नहीं। तो मैं सबमिट एंटर दबाया, सबमिट हुआ फॉर्म। यहाँ पे बोल रहा है नेम टाइप करो, नेम टाइप किया मैंने, फिर सबमिट बोला तो यहाँ पे मोबाइल मांगने लगा, मैंने मोबाइल नंबर डाला, फिर सबमिट पे किया तो ईमेल के लिए बोलने लगा, और फोकस चला गया ईमेल पे, तो ईमेल में भी डालूँगा मैं, फिर सबमिट बटन दबाऊँगा, पासवर्ड मांगने लगा, अब सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो गया मेरा। एक काम और रह गया, हम क्या करेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को मैच करेंगे। अब आखिरी कंडीशन, ये सी पासवर्ड को मैं करूंगा कॉपी, और फिर कंफर्म पासवर्ड में क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड में हमें करना ये है, इस पासवर्ड का वैल्यू और इस पासवर्ड का वैल्यू, दोनों पासवर्ड का वैल्यू उठाना है और दोनों को कंपेयर करना है, क्या दोनों बराबर है, अगर हाँ तो कुछ नहीं, बराबर नहीं है तो बोल देंगे पासवर्ड डॉट नॉट मैच, राइट। तो यहाँ पे आया सी पासवर्ड डॉट वैल्यू, फोकस कहाँ करना है हमें, कंफर्म पासवर्ड में, और इसका स्टाइल बदल के कर देना है रेड। और एरर पासवर्ड में हमें क्या दिखाना है, सी पासवर्ड, इस तरह से पेस्ट कर देता हूं मैं इसको। अब हम करते हैं एक आंख छोटा सा काम मैं भूल गया यहाँ पे, अच्छा है रिटर्न फॉल्स है, एल्स में आएंगे, यहाँ पे अलर्ट दे देंगे क्या, डन, ठीक। चलिए नेम पूछ रहा है, मैं नेम डाल दिया, एंटर दबाया, मोबाइल नंबर मांगने लगा, मोबाइल नंबर नंबर किया, ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक किया, बोल रहा है इंटर ईमेल, तो ईमेल मैं अब डालूँगा, मान लीजिए डाल दिया ईमेल, फिर एंटर करूँगा, पासवर्ड मांगने लगा, डाल दिया मैं पासवर्ड, फिर बोल रहा है डन, डन काहे के लिए भैया, तो हमने पासवर्ड डाला नहीं था, क्या समस्या है, सी पासवर्ड ये है हमारा, ये तो जो है इक्वल टू, मैंने गलत तरीके से चेक कर दिया, यहाँ पे कंडीशन नॉट इक्वल टू चेक करना चाहिए था हमें, राइट। तो ये अगर बराबर नहीं है तब बोलो कन्फर्म पासवर्ड, बराबर है तब तो कुछ दिखते नहीं है, तो यही मैंने गलती करा था।
मैं यहाँ पे कुछ भी डालने जा रहा हूँ और सबमिट किया, बोल रहे हैं पासवर्ड डालो, 1 2 3 4 डाल दिया पासवर्ड मैंने, फिर सबमिट पे क्लिक करा तो इस पे फोकस आया था, लेकिन जो है सबमिट हो गया मेरा फॉर्म। तब तक देखते हैं क्यों सबमिट हो गया। रिटर्न फॉल्स, सी पासवर्ड यही है ना। ऊपर मैं चेक करता हूँ कुछ, गेट एलिमेंट बाई आईडी, कंफर्म पासवर्ड, मैंने आईडी ना इधर गलत दे रखा है, ऐसे दे दूंगा आईडी इसको, सी पासवर्ड, सी पासवर्ड ये ठीक है। तो आईडी मैंने गलत दे रखा था तो एरर आ गया था। तो ये देखिए, करूँगा रिफ्रेश, डालूँगा नेम, मोबाइल, सबमिट मारूँगा, 1 2 3 4 पासवर्ड डाला, फिर सबमिट मारा है, बोल रहा है इंटर ईमेल, यहाँ पे भी इंटर ईमेल ही बोल रहा है, 1 2 2 ठो में पासवर्ड डाल दिया, किया तो बोल रहा है इंटर ईमेल, नहीं ले रहा है, 4 ठो डालूँगा, बोल देगा डन। तो मैंने मैसेज ना गलत तरीके से दिया है, यहाँ पे इंटर ईमेल के जगह पे लिख दूंगा नॉट MATCH, नॉट मैच पासवर्ड, और यहाँ पे ईमेल के जगह पे पासवर्ड दे दूंगा मैं, हो जाएगा हमारा काम। तो ऐसे दे देंगे हम। अभी मैंने ये बेकार का वैलिडेशन कर रखा है इसमें, ठीक है, ये देखिए पासवर्ड, पासवर्ड में दिया, यहाँ पे आया, बोल रहे नॉट मैच, 6 4 5 कुछ भी दे देता हूँ तो फिर सबमिट करूँगा तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं जब सही पासवर्ड दे दूँगा तो ये देखिए यहाँ पे किया, डन का मैसेज आ गया, ओके कर दिया, तो मैच हमारा वैलिडेशन जो है अब प्रॉपर जो है काम करने लगा। अब जहाँ पे मैंने डन का मैसेज दिया है, यहीं पे आप जो भी लॉजिक लिखना है आप लिख देंगे, फॉर्म आपका जो है सबमिट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो वैलिडेशन है इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक्शन कब चलेगा? जब रिटर्न ट्रू होगा। तो एल्स में आप चाहें तो रिटर्न ट्रू दे सकते हैं, यहाँ पे TRUE, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ट्रू, राइट। और एक्शन में आप जो भी दिए रहेंगे, रिटर्न ट्रू होने के बाद ही एक्शन चलेगा। जैसे मैं दे दिया रजिस्टर, रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है, अब जैसे ही मैं सारा डेटा फिल करके करूंगा, ये देखिए कंफर्म पे किया, बोल रहा है नॉट मैच, पेस्ट किया पासवर्ड, अब सबमिट करूंगा तो ये देखिए रजिस्टर सर्वलेट हमारा कॉल हो गया, राइट। तो इसी तरह से एक नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन काम करेगा। वो अलग बात है कि ये वैलिडेशन अभी सही नहीं है, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ वैलिडेशन करनी चाहिए। तो इसी में रेगुलर एक्सप्रेशन हम इंसर्ट करेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए सबमिट करा मैंने, अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना जब शुरू कर दिया यहाँ पे, तो ये बॉर्डर हट जाना चाहिए था रेड कलर का, ये इंटर नेम को भी हट जाना चाहिए था, तब ना ठीक रहता। यहाँ पे मोबाइल नंबर में मैं कुछ बोल रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला मैं, जब डाल दिया तो ये रेड जो है उसको हट जाना चाहिए था, इसको भी हट जाना चाहिए था, लेकिन हट नहीं रहा है अभी, तो इसके लिए भी हम काम करेंगे, इसके लिए हम काम लेकिन अगले चैप्टर में कर लेंगे। बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए।